फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल किचन क्वीन में स्वागत है। आज मैं 10 कदम बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है और इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। इस मिल्क से मुझे छेना निकालना है, तो इसमें मैं नींबू की कुछ बूंदें ऐड कर रही हूँ। ऐड होने के बाद हमारा छेना बिल्कुल तरह से फट चुका है, तो मैं इसे अब छान लेती हूँ। छानने के बाद मैं इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये छेना ठंडा हो जाए तो हमें इसे हल्के हाथों से रगड़ते हुए इसे सॉफ्ट करना है। मैं इसमें 2 चम्मच मैदा बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए बिल्कुल इसे सॉफ्ट बनाना है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारा खाना पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब ये लगभग पूरी तरह से चिकना हो चुका है। चाशनी के लिए मैंने 1 बाउल में 1 कप चीनी ऐड किया है और उसमें पानी ऐड करके उसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। चाशनी के लिए जो छेना को हमने सॉफ्ट किया, अब उसे बहुत अच्छे तरह से छोटे छोटे लोई में मैंने लोई तैयार की है। बॉईल चाशनी में मैं जो लोई तैयार की है उसे ऐड करूंगी स्पंज के लिए। एक एक करके मैं चाशनी में अपने लोई को ऐड कर रही हूँ। इसे 5 से 10 मिनट तक हमें उबाल आने तक पकाना है। अब चाशनी में पूरी तरह से उबाल आ चुका है और हमारी छोटी छोटी लोई जो थी वो स्पंज के रूप में फुली फुली हुई सी तैयार हो चुकी है। एक पैन में मैंने 1 कप मिल्क, 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमें भी इसे पकाते हुए इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार करना होगा। एक कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ये मिल्क अब गाढ़ा हो रहा है, तो मैं इसमें 1 स्पून घी भी ऐड कर रही हूँ। ये पेस्ट अब बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो मैं इसमें कुछ बूंदे ग्रीन कलर पानी में मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। अब ये गाढ़ा पेस्ट बिल्कुल तरह से तैयार हो चुका है, तो मैं इसे अब ठंडा होने के लिए कुछ देर रखती हूँ। ठंडा होने के बाद इसे भी हमें सॉफ्ट करना है रगड़ते हुए। अब इसकी लोई अच्छे से चिकनी हो चुकी है, तो मैं इसके लोई तैयार कर रही हूँ और इस लोई में मैं अपने जो स्पंज तैयार किए थे उसे भी ऐड करके गोल आकार में मैं इसे मिठाई तैयार कर रही हूँ। हमारा स्वीट्स तैयार है, तो प्लीज़